बिजनौर के कीरतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बहुपुरा निवासी वीरेंद्र की शादी 6 साल पहले नजीबाबाद के ग्राम चौगावा निवासी सीमा के साथ हुई थी। मृतक वीरेंद्र के परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि सीमा ने 12 मई को फोन कर वीरेंद्र को अपने घर बुलाया था और अगले ही दिन खेत में वीरेंद्र की लाश मिली, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई न करते हुए इस मामले को रफा दफा कर दिया था, जबकि मृतक के परिजन सीमा और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस के आला अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाते लगाते थक गए। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि बिजनौर प्रभारी ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा बिजनौर पहुँच रहे हैं, तो एक बार फिर उनकी उम्मीद की किरण जाग गई और भारी संख्या में महिला और पुरुष इंसाफ की गुहार लेकर मंत्री की तरफ चले तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इस बात से नाराज होकर पुरुष और महिलाओं ने मंत्री की गाड़ी का घेराव करते हुए धरना दे दिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी पर अपना भरोसा और विश्वास व्यक्त किया। 2017 में 325 विधायक जिताकर उत्तर प्रदेश की जनता ने उस भरोसे और विश्वास पर मोहर लगाई। आदित्यनाथ योगी जी की सरकार की प्राथमिकता बिना किसी भेदभाव के पंक्ति में पीछे खड़े व्यक्ति तक केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता। हमारी प्राथमिकता हमारे प्रदेश का किसान है, हमारे प्रदेश का गरीब है, नौजवान है। ये पहली ऐसी सरकार है जिसने किसानों को एक सुरक्षा कवच देने का काम किया। चुनाव के समय देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने जो जो कहा वह सब पूरा करने की दिशा में इस सरकार ने प्रभावी कदम उठाए। किसानों का फसली ऋण माफ किया, ये लड़का 2 वर्ष से अपने ससुराल में रहता था और पहाड़ में नौकरी करता था और वहाँ से ही आता था और वहाँ आने के बाद ही जो है अपने बच्चों का लालन पालन वहीं करता था, पैसे देते थे उसे और घर नहीं आता था। इनके पिता हैं मुनीर सिंह और आपस में लड़ाई रखती थी, पति पत्नी से आपस में लड़ाई रहती थी, इसीलिए इनकी पत्नी जो है उसकी वीरेंद्र और भोला की पत्नी अपने ससुराल ले अपने पैर ले गई थी उस लड़के को और वहीं रहता था, ठीक है जी। और वहाँ शाम 5 बजे पता लगा कि उसकी हत्या हो गई है। ये सब गांव वाले वहाँ गए चौगांव और वहाँ जाके पता लगा कि लड़के की लाश वहाँ पर उनके घर में पड़ी हुई थी और वहाँ पर पुलिस के पास गए ये, लेकिन पुलिस ने वहाँ पर जो कोर्ट दर्ज नहीं की, वहाँ पर जो है घटना स्थल पर वहाँ पंचनामा भी नहीं भरा गया, इनके दस्तक जो है थाने में कराए गए। लाश को देख के कैसा महसूस हो रहा था, किस तरह लाश की हत्या की गई? ये तो ऐसा महसूस हो रहा है कि दवाई खाई सलवास खाया गया, लेकिन उसमें कोई बदबू नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। अब आप कहाँ है कार्यवाही? अब हमने तो भाई साहब यहाँ धरना दे रहे हैं, मंत्री जी से गुहार लगाए कि हमें इंसाफ मिले। नहीं, कब से आपका धरना चल रहा था, कहाँ कलेक्ट्रेट में? जी हम वहाँ कलेक्ट्रेट में नहीं था, हम थाने गए थे, वहाँ 12 बजे आए हैं। 12 बजे उन्होंने रिपोर्ट भी ठीक तरह से नहीं लिखी, नहीं मिल पाया। अब यहाँ जिला बिजनौर यहाँ पर मंत्री जी को विद्युत ऊर्जा मंत्री जी को हमने अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे ताकि हमें इंसाफ मिले। अब नहीं मिलता तो फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे, कलेक्ट्रेट पे करेंगे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया? नहीं, वहाँ बताया, मैंने अभी आपको बताया कि थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है, लेकिन सत्य झूठ। हाँ, मंत्री जी मिल के जाएंगे। इस तरह से आप अपना विरोध जता रहे हैं?
विरोध जनाता है। आप देख रहे हैं यहाँ भूख हड़ताल बैठेंगे, जो हम तो इंसाफ लेना, अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, पता चलेगा। मंत्री से मुलाकात हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई, अभी मंत्री से कोई मुलाकात नहीं। मंत्री जी जो आए, आपने उनकी गाड़ी का घेराव कर रखा? हाँ जी, घेराव कर रखा, हम यहाँ बैठ के जाएंगे। क्या जरूरत पड़ी घेराव करने की? जो हमें इंसाफ नहीं मिला, जो इंसान मिलेगा तो नहीं। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो मंत्री ये गाड़ी निकलने नहीं देंगे आप यहाँ से। नहीं नहीं, हम नहीं निकलने देंगे। मंत्री जी को पूरा विश्वास है, मंत्री जी का हमारा जो है विश्वास है। बताइए क्या हुआ आपके भाई साहब? जो आज मंत्री जी की गाड़ी का घेराव आपने कर रखा है, क्यों कर रखा है, क्या मामला है? जी हमें इंसाफ नहीं मिल गया है। क्या मामला जी? हमने रिपोर्ट भी करी थी, रिपोर्ट भी कर दी है थाने, नजबा थाने में। मामला क्या हुआ था तुम्हारे साथ? जी मेरे भाई का कत्ल हुआ, ठीक है ना, अब पता नहीं कत्ल हुआ है, कैसे मारा है, उसे बाहर ही रहता था, कल ही आया वहाँ से, ठीक है ना, अयो भी हमें पता नहीं दिया, जब ख़त्म हो गया तब सूचना हमें पता चली कि उसकी डेट हो चुकी है, ठीक है ना। अच्छा, उसकी हत्या करने वाले कौन लोग? उसके ससुराल वाले जी, पहले से ही जब से शादी उसकी हुई है तब से विवाद ही चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। उसने भी जाने भाई ने कैसे झेल रखा था, अलग काम से अलग ही खा रहा था, रह रहा था। आपने मामला दर्ज कराया? मामला दर्ज थाने में रिपोर्ट करवाने कहते हैं हम। क्या हुआ? पहले रिपोर्ट हमने पूरी कर दी थी थाने में। घेराव कर रखा है गाड़ी का। हेलो, आपने मंत्री जी की गाड़ी का घेराव कर रखा? जी हाँ। कब तक करोगे घेराव? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। हाँ, इंसाफ हम मंत्री जी हमें देंगे।